हेलो एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं बताऊंगी डिजाइनर बैक पार्ट बनाना, जिसे आप सूट या ब्लाउज पे बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम कटिंग अस्तर पे करेंगे। तो हम अस्तर को लेंगे और उसको खोलेंगे और डबल फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है वो 32 चेस्ट की ब्लाउज की है। तो हम 32 में 4 से भाग देंगे तो 8 होगा। तो हम यहाँ 8 लेंगे। तो ये हमारा 8 है, तो 8 पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी ब्लाउज की चौड़ाई का निशान है। उसके बाद हम लंबाई लेंगे। लंबाई जो होगी हमारी 14 इंच होगी ब्लाउज की। तो 14 इंच पे भी निशान बना लेंगे हम। और इसका जो कंधा होगा शोल्डर, वो 5 इंच का लेंगे। 5 इंच पे निशान बना लेंगे। 2.5 इंच गले की गहराई के लिए। अब ये दोनों निशान को हम मिला लेंगे और ये हमारा टोटल कंधे का निशान बन गया है। अब आर्म होल हम 6 इंच का लेंगे। तो 6 इंच पे हम एक लाइन बना लेंगे और ये हमारी 6 इंच पे लाइन बन गई है। अब यहाँ चौकुटा निशान बना लेंगे। ये हमारा आर्म होल है। और हम ये जो हमारा 8 इंच पे फिटिंग का निशान है उसको अच्छे से मिला लेंगे। और जो हमारी गले की लंबाई होगी पीछे की, वो 9.5 इंच होगी। तो हम 9.5 इंच पे भी निशान बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे और यहाँ भी चौकुटा निशान बना देंगे। चौकुटा निशान बन गया है। अब आर्म होल में 1 इंच पे निशान लगा के और गोलाई का शेप दे देंगे आर्म होल का। ये हमारा आर्म होल में भी निशान लग गया है। अब 3 इंच पे हम गले में निशान लगाएंगे। यहाँ हमारा डोरी वाला हिस्सा बनेगा, जहाँ डोरी लगेगी, और वहाँ हम गोलाई का शेप दे देंगे। और फिर से हम स्केल लेंगे या ऐसे इंची टाइप की मदद से एक तिरछी लाइन बनाएंगे। फिर वहाँ से हम एक सुराही का शेप दे देंगे। और इसको हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, बस आर्म होल की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। और ये कटिंग हमारा हो चुका है। उसके बाद हम कपड़े को खोल लेंगे और उसको उल्टा फोल्ड करेंगे, ताकि हमारा डिजाइन दोनों साइड बन जाए। तो उल्टा करके और बराबर से रख लेंगे और उसको हाथ से थपथपा देंगे और ये हमारा दोनों साइड डिजाइन बन गया है। अब दूसरी साइड वाले डिजाइन को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे चौक की मदद से। और ये हमारा डार्क हो चुका है। अब इसको हम मेन कपड़े पे काटेंगे। तो मेन कपड़े पे सेम ऐसे ही हम बिछा के इसको काट लेंगे। आप मेन कपड़े पे पिन की मदद से रख के और काट ले। तो ये मैंने चारों तरफ से पिन लगा लिया है और इसकी कटिंग हो गई है। अब इसको हम सिलेंगे। तो सबसे पहले जिधर जिधर अब मैंने पिन लगाया है, उस पर चारों तरफ सिलाई लगा के हम पिन को निकाल लेंगे और ये हमारा सिलाई लग गया है। और उसके बाद जो गले का डिजाइन है उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे सेम, और सिलाई लग गया है। देखिए इस प्रकार से सेम आप जो चौक से डिजाइन बना उसी पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे गले की। तो गले में कटिंग करने से पहले हम पूरा कपड़े को नहीं काटना है, ये ध्यान रखिए। तो हाफ हाफ इंच कपड़े को छोड़ना है। तो हाफ इंच कपड़े को छोड़ कर हमको कटिंग करनी है डिजाइन की। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारे गले और कमर में सिलाई है उसको बस हम रहने देंगे, बाकी सिलाई को तोड़ लेंगे आर्म होल और फिटिंग वाले साइड का। ये बस हमने कपड़े जो हमारा कपड़ा है खिसके नहीं, इसलिए हमने सिलाई लगाया था ताकि हम अच्छे से इसको सीधा कर सके। तो ये साइड वाले सिलाई को तोड़ देना है। तो ये हमारा कटिंग भी हो गया है,
देखिए, अब हम इस डिज़ाइन में छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने का फ़ायदा यह होता है कि डिज़ाइन जो भी हमारी बनी होती है वो अच्छे से सीधी करने पे दिखती है, नहीं तो उसमें सिकुड़ापन आ जाता है कट नहीं लगा होता है तो हम कट लगा लेंगे हर जगह से। तो ये हमने फिटिंग वाले साइड का सिलाई तोड़ दिया है और आर्म होल का भी, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। और ये देखिए सीधा हो गया है। और जो हमारा डोरी वाला हिस्सा है उसको हम कैंची की मदद से अच्छे से निकाल लेंगे। इसी पे हमारी डोरी लगेगी, देखिए। अब इस डिज़ाइन के ऊपर एक हम पतली सिलाई लगा लेंगे और देखिए हमारी पतली सिलाई लगने के बाद कितना अच्छा डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हुआ है, देखिए। उसके बाद से एक हम दूसरा कपड़ा लेंगे जो लगभग 1 इंच का होगा और इसको 2 फोल्ड करके इस पर एक हम सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा सिलाई लग गया है, ये हमारा डोरी का कपड़ा है और इसको हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे साइड से। और ये हमारा कट हो चुका है। अब सुई धागा लेंगे और इस डोरी को हम सीधा करेंगे। तो सुई धागे की मदद से हम कपड़े के एक हिस्से में सुई को घुसा के और धागे से फंसाएंगे और फिर सुई को दूसरे हिस्से तक ले जाएंगे। फिर हम डोरी को आराम से सीधा करेंगे खींच खींच के। और ये डोरी हमारी सीधी हो चुकी है, देखिए। अब इस डोरी को हम लगभग 1-1 इंच की डेढ़ इंच की डोरी को हम कट करते जाएंगे छोटे छोटे पीस में, इस प्रकार से नाप नाप के। ये हमारा कटिंग हो गया है। अब इसके हम गले में नीचे लगाएंगे 2-2 फोल्ड करके इस प्रकार से। तो आपको लगाने में दिक्कत हो रहा है तो आप इंची टेप से मार्क कर लेके 1 इंच का और उसी पर लगाएं। तो यहाँ मार्क कर लेंगे और उसी पर लगाती जाऊँगी 2-2 फोल्ड करके। ऐसे ही हम पूरे में लगा लेंगे इस डोरी को 2-2 फोल्ड करके 1-1 इंच का गैप देके। तो ऐसे ही नीचे में पूरे तक लगा लेना है। और ये हमारा आखिरी लगाना बाकी रह गया है, उसी को हम लगा लेंगे उसको भी। और ये हमारा नीचे लग गया है। अब इसमें हम एक डोरी लगाएंगे। तो डोरी को सबसे पहले हम सुई धागे से बांध लेंगे और सुई से ही हम इसमें घुसाएंगे डोरी को इस प्रकार। अब पिन के भी मदद से इसमें ऐसे लगा के डोरी के किनारे पे और ऐसे घुसा सकते हैं। तो मैं यहाँ सुई से घुसा रही हूँ, इससे ज़्यादा इजीली घुसेगा क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे हैं तो इसमें पिन नहीं घुसेगा। तो ये हमारा डोरी लग गया है और ऊपर डोरी को दोनों साइड सिलाई लगा के पैक करना है, देखिए। यहाँ यहाँ सिलाई लगा के पैक कर लेना। और ये हमारा दोनों साइड सिलाई लग गया है। अब इस पर हम गले में जैसे जैसे हमारा गला है उस पर हम लेस लगा देंगे इस प्रकार से। और ये हमारा लेस भी लग गया है। अब लेस लगने के बाद हम नीचे इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट जो होगी वो हमारी 6 इंच पे होगी और इसकी लंबाई होगी 4 इंच ही होगी। 4 इंच पे हम निशान बना लेंगे। ये हमारा 4 इंच पे निशान लग गया है। दूसरे साइड भी हम फिटिंग वाले साइड से 6 इंच लेंगे और 6 इंच पे निशान लगा लेंगे प्लेट का। और यहाँ भी प्लेट की लंबाई होगी 4 इंच की होगी। 4 इंच पे यहाँ भी निशान लगा के एक लाइन बना लेंगे। और ये जो हमारी प्लेट होगी 1 इंच गहरी होगी, तो 1 इंच पे हम गहराई का निशान लगा लेंगे। दूसरे साइड भी सेम हम 1 इंच पे गहराई का निशान लगा लेंगे प्लेट की, देखिए 1 इंच की है। अभी हम प्लेट को इस प्रकार से इस पर लगा लेंगे और ये हमारी दोनों प्लेट लग गई हैं।
कि दोनों प्लेट लग गया है। अब इसमें हम डोरी लगाएंगे। तो अगर ऐसी पतली डोरी की वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और ये हमारी ब्लाउज रेडी है। और इसके हम, आप चाहें तो इसके कमर पे भी लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं एक कमर पे भी लेस लगा रही हूँ जो कि बेहद सुंदर लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग को।